मानद राजीव को भेज दीजिए ना सर। दिनांक 29/3/2021 को धुरवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत जब सूचना मिली थी कि जेपी मार्केट के एरिया में कुछ लोग एक गाड़ी में हथियार के साथ आए और हथियार लहराते हुए शायद वहां पे कुछ माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, तो चूंकि ऐसी सूचना थी तो थाना प्रभारी जो है स्वयं अपने साथ पदाधिकारी और बल लेकर वहाँ पर पहुँच कर जिस गाड़ी का की सूचना थी उसको घेराबंदी किया। उसी घेराबंदी में जो है चार लोग थे, इसमें से हथियार जो है वो दीपक कुमार उर्फ भीम के पास से मिला था और उनके साथ जो अभय कुमार और आर्यन कुमार पकड़ाए हैं और जो हैं इसमें एक जो है बंदा इसमें फरार हुआ है जिसका नाम है जितेंद्र जायसवाल जो भी जेपी मार्केट का रहने वाला है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि सभी जो है ये लोकल ही थे धुरवा थाना क्षेत्र के, और मैं इसमें जो है थाना प्रभारी ध्रुव और उनके पदाधिकारी को बधाई देता हूं क्योंकि आजकल जिस तरह इन हथियार के साथ अचानक घटना होने की बात आती है तो इस तरह पहले से अगर हम हथियारबंद ऐसे लोगों को बीच में पकड़ कर इन पर कानूनी कार्रवाई करते हैं तो कोई और इससे अप्रिय घटना में रुकावट आ सकती है। सर बैकग्राउंड सर इसका कैसा था, अपराधी बैकग्राउंड था या फिर? अभी तक इनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं मिला है और इनका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है कुछ ग्रेजुएट है, कुछ जो इंटर पास है और कुछ जो ITI जो स्किल्स वाला होता है उसका कोर्स कर रहे थे। और इसमें जो बात आ रही है जो इनके बयान में भी आया है कि जो इसमें जो जितेंद्र है ये और जो इसमें और एक इसमें जो आदमी है वो रोड कंस्ट्रक्शन वगैरह काफ़ी काम में इन्वॉल्व है, तो ये लोग जो है कभी किसी दूसरे पक्ष से कुछ बात विवाद हो जाए तो जो क्या उसको बोलते हैं वायलेंस करने की जो 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 क्षमता है वो दिखता है, हथियार वगैरह ले लिया, शायद पढ़े लिखे भी हैं लेकिन उस तरह की प्रवृत्ति भी अपना सकते हैं अगर कल को किसी से इनके विवाद किसी बात को लेकर होती है तो यह हथियार इनके पास से मिलना इसी बात को दर्शाता है। ठीक है।